उस तरफ से सर गाड़ी यहाँ से हटे फिर फेस इस साइड पे करें। चलो भाई जान आगे से हट जाओ यार। यार आगे से हाँ टॉक करनी है भाई मैंने फखर महसूस कर रहे भाई फखर महसूस कर रहे चल रहे पाकिस्तान में काम हो रहा है। माइक आगे करें यार सारे ये माइक पकड़ लो माइक है यार दो बंदे आए ना माइक पकड़ मतलब ही उतार उतार दे मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके दे ये लोग उतारे यार सारे नहीं होगा नहीं उतरेगा दो डब्बे नीचे गिर गए हैं डाउन कर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आज हमने ये स्पेशल लोगों के लिए ये दो वॉशरूम फैसल मास में जो है ना ये कोर्ट ने बहुत मेहरबानी की है इनकी मदद से आज ये बन गए हैं और इसके साथ तो ये है कि तकरीबन 35 मजीद भी बनेंगे और इनका टारगेट ये है कि कम से कम 50 वॉशरूम जो है ना पूरे इस्लाम आबाद में और हमारे असेंबली सेक्रेटेरिएट समेत ये 50 बनाएंगे आइंदा 6 मंथ में। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये हमारे स्पेशल इनिशिएटिव है स्पेशल पर्सन्स के लिए जो जिसको ज़रूरत है कि वो उसकी इस किस्म की फैसिलिटी मिले। तो मैं कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बहुत नेकी का काम कर रहे हैं और दुआ गो हूँ इसके लिए कि अल्लाह ताला और भी बरकत दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज ईशा फैसल मस्जिद में दो पहले कोर्ट ने स्पेशल लोगों के लिए वॉशरूम तमीर किए हैं इंशाल्लाह 6 माह के अंदर हमने 50 मुकम्मल करने पूरे इस्लामाबाद में हर पार्क में सैर व तफरी की जगह पार्लियामेंट हाउस समेत पब्लिक प्लेसेस में। मुझे और स्पीकर साहब को एहसास शायद आम लोगों की मुनिसबत ज़्यादा इसलिए है कि इनकी अपनी बेटी स्पेशल है और मेरी एहलिया स्पेशल है तो हमें एहसास है तो जब वो इस्लामाबाद में आते हैं तो हमें पार्क में या शाह फैसल मस्जिद में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो बड़ी तकलीफ दी बात होती है। तो इंशाल्लाह हमारे जो स्पेशल लोग हैं हमारा हिस्सा है सोसाइटी का हिस्सा है तो हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ये स्पीकर साहब की हिदायत पे ये सारा काम हो रहा है हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें एक विजन दिया इस्लामाबाद में अल्लाह करे कि ये विजन पूरे पाकिस्तान में फैले। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके इस्लामाबाद? इस्लामाबाद में हम व्हील चेयर हर जगह तकसीम कर रहे हैं लोगों को हुनरमंद कर रहे हैं औरतों को व्हील चेयर सोइंग मशीन्स दे रहे हैं
उसके साथ साथ हमने आज बहुत से फूड पैकेजेस दिए हैं, रमजान फूड पैकेजेस पूरे कश्मीर और पाकिस्तान में तकसीम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के हवाले से दूसरा जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है यतीम बच्चों की हिफालत से, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा यतीम बच्चों का एक घर है, एक आशियाना है। और दूसरा जो कोर्ट बना रहा है वो स्वाबी में है, इंशाल्लाह उसका दो दिन के बाद पहला फ्लोर लेंटर डाल रहा है। ऐसे मनसूबे पाकिस्तान में फ्लाई इदारे कर रहे हैं और हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें फैसिलिटेट और असिस्टेंस दे रहे हैं ताकि हमारे काम में कोई मुश्किल ना आए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अपना अपना सामान संभाल लें जी। दो तीन जो है इधर दे देना।